हम सभी किसान भाइयों को कीटनाशकों, उर्वरकों व अन्य संबंधित उपकरणों के इस्तेमाल करने से संबंधित जानकारियों के साथ साथ कुछ सावधानियां बरतने संबंधी जानकारी भी प्रदान करेंगे, अन्यथा कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम कीटनाशकों और संबंधित उपकरणों का उचित ढंग से इस्तेमाल करें और अधिकतम लाभ के हकदार बने। इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ हिदायतों का पालन करें, जैसे कि कीटनाशक को खरीदते समय उसकी असली पैकिंग और उस पर लिखी एक्सपायरी डेट की जांच अवश्य कर लें। कीटनाशकों और खाद्य वस्तुओं का साथ साथ परिवहन ना करें और ना ही उन्हें एक स्थान पर साथ साथ रखें। कीटनाशक को सिर पर रखकर, कंधे पर रखकर या फिर पीठ पर रखकर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इसके प्रभाव में आने वाले व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है। कीटनाशक लाने ले जाने में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन को पानी से अच्छी तरह अवश्य धोएं, अन्यथा उसमें रखी जाने वाली वस्तुएं भी खराब हो सकती हैं। साथ ही इस वाहन का उपयोग अन्य खाद्य वस्तुओं के रखने के लिए ना करें, अन्यथा इसके विषैले प्रभाव के कारण बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कभी कभी तो इस कारण मृत्यु भी हो सकती है। इस बात को हमेशा याद रखें कि कीटनाशक को घर से दूर स्टोर करें और उस जगह को ताला लगाकर रखें जहां कीटनाशक रखा गया है। कीटनाशक का इस्तेमाल करने से पहले उसके डिब्बे पर संलग्न पत्रक पर लिखी जानकारी अवश्य पढ़ें और इसकी उचित खुराक का ही इस्तेमाल करें। ये भी जरूरी है कि हम कीटनाशक की उचित मात्रा का ही प्रयोग करें। इसकी कम या ज्यादा मात्रा फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। कीटनाशकों का घोल तैयार करते समय व उनके छिड़काव के समय हमेशा याद रखें कि बच्चे और जानवर इसकी पहुंच से दूर रहें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। कीटनाशक घोल बनाने के बाद इसका इस्तेमाल शीघ्र कर लें, अन्यथा इसकी उपयोगिता कम होती चली जाती है। विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार उपयुक्त उपकरणों का इस्तेमाल किया जाए। कीटनाशक की मशीन व अन्य उपकरणों की जांच करने के बाद ही कीटनाशक का छिड़काव करें और साथ ही अपने शरीर को कपड़ों से जरूर कवर कर लें। कीटनाशक को स्प्रे करते समय सुरक्षात्मक वस्तुओं का प्रयोग करें, जैसे कि दस्ताने, फेस मास्क, एप्रन आदि। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि कीटनाशक का छिड़काव बरसात आने की संभावना के समय या बरसात के एकदम बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कीटनाशक का असर इन दिनों में ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। कीटनाशक के छिड़काव के समय खान पान ना करें और ना ही धूम्रपान का प्रयोग करें, अन्यथा कीटनाशक आपके शरीर के अंदर पहुंचकर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा कीटनाशक का छिड़काव करते समय खाने की चीजें खेत पर ना रखें, अन्यथा कीटनाशक के प्रयोग से खाद्य वस्तुएं भी विषैली हो सकती है, जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। यदि कीटनाशक का छिड़काव करते समय इसके जहर के संकेत शरीर पर दिखने लगे तो तुरंत प्राथमिक चिकित्सा के जरिए इसका निदान कराएं और जांच कराते समय डॉक्टर को खाली कीटनाशक के डिब्बे को अवश्य दिखाएं, ताकि उसके प्रभाव का उचित ढंग से निदान किया जा सके। कीटनाशक का छिड़काव की गई भूमि पर चेतावनी के संकेत अवश्य लगाएं, ताकि संभावित दुष्प्रभाव से बचा जा सके। कीटनाशक के इस्तेमाल के बाद डिब्बे को तोड़कर बंजर भूमि में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें या फिर नष्ट कर दें। कीटनाशक का उपयोग करने के उपरांत व भोजन करने से पहले हाथ और मुंह साबुन से अवश्य धोएं। यदि हम सावधानी नहीं रखेंगे तो कीटनाशक हमारी त्वचा और शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और शरीर में प्रवेश करने से सांस लेने की समस्या के साथ साथ शरीर के अंदर भी कई प्रकार के विकार हो सकते हैं। जी हाँ, यदि हम खेती बाड़ी करते समय सही व उचित मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग बचाव के तरीकों को अपनाते हुए करेंगे तो न केवल हम अपनी पैदावार बढ़ाने में कामयाब हो सकेंगे, बल्कि विकास और खुशहाली लाने में भी कामयाब हो जाएंगे। और ये सब संभव होने लगेगा यदि हम सभी कृषि की छोटी छोटी लेकिन उपयोगी नीतियों और पद्धतियों का इस्तेमाल आधुनिक ढंग से करते हुए आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, कृषि उपज बढ़ाने के लिए उचित जानकारी के साथ चलने में ही समझदारी है।